हे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ छोटे मोटे एनिमे अपडेट्स के बारे में। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ नरूटो के इश्यूज के बारे में बात करेंगे। इसलिए चलो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले एक छोटी सी बैड न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंगर मोन कुरोसाकी जो है वो पास अवे हो चुकी है 16 फरवरी को, और उनकी एज जो थी वो सिर्फ 35 थी, जो की काफी मतलब जल्दी उनकी डेथ हो गई, जो की सुन के काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। और ये काफी अच्छी सिंगर थी, बट अब लास्ट में मैं बस यही कहूंगा कि रेस्ट इन पीस। अगर आप लोगों को कहना है कमेंट में तो जाके कह देना रेस्ट इन पीस। इसके अलावा हम लोग बात करें अगर वन पीस के बारे में, तो वन पीस को लेकर मैंने आप लोगों को शायद ये अपडेट बताया था, अगर नहीं बताया तो मैं आप लोगों को फिर से वाला अपडेट बता देता हूँ कि वन पीस का जो एनिमे है वो 2 हफ्तों के लिए ब्रेक पे जा रहा है। और अब आपको वन पीस के जो न्यू एपिसोड है वो आप लोगों को मार्च 19 से देखने को मिलेंगे फिर से। एंड हाँ, मुझे पता है कि न्यूज है वो इतनी अच्छी भी नहीं है, बट जो एनिमेटर्स है उन्हें भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, इसलिए उन्हें भी थोड़ा सा रेस्ट दो। एंड इसके अलावा हम लोग बात करेगा क्रंची रोल इंडिया के बारे में, तो क्रंची रोल इंडिया के ऊपर डीमन स्लेयर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क का जो लास्ट एपिसोड है वो आज हम लोगों को क्रंची इंडिया के ऊपर हिंदी डब में देखने को मिलेगा। तो इसके हिंदी डब एपिसोड को देखकर आप लोग एंजॉय कर लेना। एंड इसके अलावा कुछ सोर्सेस हिसाब से डीमन स्लेयर जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम लोगों को रियल लाइफ एनिमे जो है वो हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा क्रंचीरोल के ऊपर। एंड अगर डीमन स्लेयर के बाद हम लोग को रियल लाइफ एनिमे जो है वो अगर हिंदी डब में देखने को मिला क्रंचीरोल के ऊपर, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं होगी, क्योंकि क्रंचीरोल जो है वो हर महीने एनिमे अनाउंस करते हैं ये हिंदी डब में। बट अब देखते हैं कि वो लोग इस एनिमे का हिंदी डब जो है वो किस तरह से करते हैं। होप करते हैं कि इस न्यू एनिमे का हिंदी डब जो है वो हम लोग को अच्छा ही देखने को मिले। एंड इसके अलावा कुछ वॉइस आर्टिस्ट से हम लोग को एक और अपडेट पता चला है कि फायर फोर्स सीजन 2 की हिंदी डबिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरीके से। और अगर इसके सीजन 2 की भी डबिंग कंप्लीट हो चुकी है तो प्रोबेबली हम लोगों को इस मंथ में ही शायद क्रंचीरोल के ऊपर इसका सीजन 2 देखने को मिल जाए हिंदी डब के ऊपर। और इसके सीजन 2 के लिए भी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने फायर फोर्स को पहले कभी नहीं देखा था, और फायर फोर्स को अभी मैंने सीजन 1 देखा हिंदी डब में क्रंचीरोल के ऊपर, जिसके बाद ये एनिमे जो है मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और मैं इसके सीजन 2 और इसके हिंदी डबिंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बता देना। एंड इसके अलावा हम लोग क्रंचीरोल के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो क्रंचीरोल के ऊपर हम लोग को एनिमे अवार्ड्स का एक ट्रेलर देखने को मिला है, जिसमें वो लोग एनिमे अवार्ड्स को जो है प्रमोट कर रहे हैं। एंड अगर आप लोगों को भी क्रंचीरोल का एनिमे अवार्ड देखना है तब आप लोग इसे सोनी लिव ऐप के ऊपर 4 मार्च को दिन के 3 बजे जो है वो देख सकते हो। एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे अपडेट को लेकर, जो कि है एनिमिक्स को लेकर, तो जैसा कि हम लोग पता है कि एनिमिक्स को जो है वो केसी ग्लोबल मीडिया एशिया जो है वो ओन करती है, और उन्हीं की वजह से हम लोग को इंडिया के अंदर एनिमिक्स देखने को मिला है। लेकिन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे अब तक कोई भी पोस्ट इससे रिलेटेड नहीं डाला था कि वो लोग एनिमिक्स जो है वो इंडिया में एंटर कर चुका है अभी तक। बट अभी कल हम लोग को उनके इंस्टाग्राम पेज के ऊपर एक पोस्ट देखने को मिला है, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि इंडिया में जो है वो एनिमेक्स जो है वो इंटर कर चुका है जियो टीवी के द्वारा। बट टू बी ऑनेस्ट, केसी ग्लोबल मीडिया को जो है वो अभी सबटाइटल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो है वो एनिमेक्स के ऊपर सबटाइटल बिल्कुल भी सही से नहीं चल रहे हैं। इसलिए मेरे हिसाब से तो केसी ग्लोबल मीडिया को इन सब चीजों से ज्यादा ध्यान एनिमेक्स के ऊपर भी देना चाहिए इंडिया में, और इसे सबटाइटल को फिक्स करना चाहिए। बट आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता देना। एंड इसके अलावा एनिमेक्स ने एक और एनिमे जो है वो अपने शेड्यूल में एड कर लिया है, जिसका नाम है द डीमन गर्ल नेक्स्ट डोर। और ये एनिमे जो है वो आप लोगों को हर दिन शाम के 6 बजे एनिमेक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा, और एनिमेक्स जो है वो जियो टीवी के ऊपर अवेलेबल है, तो वहां से जाके आप लोग देख सकते हो एनिमेक्स को। एंड अब नारुतो के अपडेट से बात करने से पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा अपडेट बता देता हूँ। तो जैसा कि सेकंड चैनल के ऊपर मैं बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, और सच बताऊं तो ये मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, असल में मुझे सेकंड चैनल के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, और सेकंड चैनल का कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब मैं 2 चैनल जो है वो एक साथ इस तरह से नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि एनिमेस को एक्सप्लेन करना, उसको एडिट करना काफी ज्यादा देर का काम होता है, और ऊपर से मैं फर्स्ट चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एनिमे एक्सप्लेनेशन जो है वो बंद कर रहा हूँ। और अब से प्रोबेबली आप लोगों को सेकंड चैनल के ऊपर गेमिंग तो नहीं, बट आप लोगों को कुछ मजेदार कंटेंट देखने को मिलते रहेगा एनिमे से लेकर। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इन चीजों के बाद हम लोग फाइनली अब बात करते हैं नारुतो के अपडेट के बारे में, या फिर यू कहो नारुतो के इशू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि अगर आप लोग शेड्यूल देखोगे सोनी ए का, तो उसमें हम लोग को नारुतो जो है वो रात के 9 बजे देखने को मिल रहा है शेड्यूल में। बट जब हम लोग सोनी ए के ऊपर नारुतो को देख रहे हैं तब सोनी ए के ऊपर नारुतो रात के 9 बजे देखने को हम लोग नहीं मिल रहा है, उसके अलावा हम लोग को दूसरा शो ही देखने को मिल रहा है नारुतो की जगह। तो अब इससे लेकर मुझे बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट करके पूछ रहे थे कि नारुतो जो है वो रात के 9 बजे नहीं आ रहा है, क्या सोनी ने नारुतो को बंद कर दिया। तो देखो, ऐसा हो सकता था, सोनी जो है वो चाहे तो ऐसा कर सकते थे, क्योंकि डबिंग जो है वो अभी स्टॉप है अभी फिलहाल के लिए, तो शायद सोनी जो है वो स्पीड कम करके 2-2 एपिसोड फिर से दिखाना स्टार्ट कर सकते थे। बट सच बताओ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सोनी ने ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया है, सोनी के बस शेड्यूल में थोड़ी सी गड़बड़ है। और आप लोग जो शेड्यूल में रात में 9 बजे नारुतो देखने को मिल रहा है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग नारुतो जो है वो रात के 10 बजे से ही देखने को मिल रहा है। और अगर आप लोग रात के 10 बजे नारुतो को चेक करोगे सोनी के ऊपर, तो वहां आप लोग देखोगे कि वहां नारुतो जो है वो पहले की तरह आ रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, आप लोग नारुतो जो है वो रात के 10 बजे ही सोनी के ऊपर देखना है। और जहां तक बात रही शेड्यूल की, तो शेड्यूल जो है वो अभी थोड़ा सा गड़बड़ है, जिसे सोनी जो है वो आगे जाके फिक्स कर देंगे। बट अब बहुत सारे लोग जो है उदास हो गए होंगे, उन्हें लगा हो कि नारुतो जो है वो रात के 9 बजे फिर से देखने मिलेगा, तो ये काफी अच्छी बात होगी। बट टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग को नारुतो जो है वो रात के 10 बजे ही देखना पड़ेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक नारुतो के न्यू एपिसोड नहीं आ जाते हैं। जब नारुतो के न्यू
एपिसोड आएंगे तब हम लोग को वो रात के 9 बजे से देखने मिलेंगे। अभी फिलहाल के लिए रिपीट टेलीकास्ट को तो हम लोग को 10 ही बजे एंजॉय करना पड़ेगा। बट इसके अलावा नरूटो का सीजन 4 जो है वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है, प्रोबेबली आज या कल जो है वो नरूटो का सीजन 4 स्टार्ट हो जाएगा। तब अगर आप लोगों ने सीजन 4 को नहीं देखा था तब आप लोग सोनी के ऊपर अब सीजन 4 को भी देख सकते हो। एंड बस आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप करता हूं कि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूं बस तुम लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।